आज से ठीक 6 रोज बाद यानी कि 20 फरवरी के दिन मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू के एमए स्टेडियम में एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। इस रैली की तैयारियों को अमली जामा पहनाए जाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और इसी जिमन में आज भारतीय जनता पार्टी के राजौरी जिला ऑफिस में एक मीटिंग को भी मुनक्कित किया गया, जिसकी क्यादत पार्टी के जिला सदर दिनेश शर्मा ने की। इस मीटिंग के दौरान पार्टी में राजौरी व पूंछ अजला से लोगों की शमूलियत पर तबादला ख्याल हुआ और इस बात का दावा पेश किया गया कि इन दोनों अजला से 20,000 से भी ज्यादा लोग इस रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी हकूमत ने जम्मू और कश्मीर की यकसा तरक्की को यकीनन बनाया है और कई बड़े मामलात हल किए हैं, जिनमें पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल करना भी है। आज हमारी यहाँ पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर लीडर्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और बाकी सारे मोर्चों के लोग भी इसमें उपस्थित थे। आज की मीटिंग का जो मेन ये था कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन करनी है और एक बड़ी रैली को संबोधित करना है। जो रैली हमारा जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है यहाँ पे, उस स्टेडियम में वो जो रैली है वो होगी। और राजौरी और पुंछ में लोगों में बड़ा उत्साह और ख़ास तौर पर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने के बाद लोगों का यही था कि हम भी किस तरह रैली में पहुँचे, वो उसी के बारे में पूरी डिस्कशन की गई। यहाँ से कम राजौरी से 10-15 हज़ार लोग और पुंछ से 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो इस रैली में जाएंगे और एक बड़ी रैली जो वो होगी उसका हमने आज पूरा जो था वो पूरी डिटेल्स जो यहाँ बनाई, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे से ये रैली जो है वो हो सकती है। और 20 तारीख को 11 बजे इस रैली का टाइम है एमए स्टेडियम में। दूसरा, आज यहाँ पे मीटिंग के बाद एक बड़ी संख्या में 40 से 50 यूथ की जो है वो ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई, जो मेजॉरिटी जो है वो थन्ना मंडी और द्राल एरिए से यूथ थे। युवा मोर्चा के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। मैं इनका पार्टी में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि इन यूथ की फोर्स को से इनको पार्टी में आने से पार्टी को एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा। और हमारा जो दूर दराज का इलाका है, हमारे इंटीरियर गांव में, वहाँ पे पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और आने वाले समय में बहुत सारी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। आज हमारी यहाँ पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर लीडर्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और बाकी सारे मोर्चों के लोग भी इसमें उपस्थित थे। आज की मीटिंग का जो मेन ये था कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन करनी है और एक बड़ी रैली को संबोधित करना है। जो रैली हमारा जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है यहाँ पे, उस स्टेडियम में वो जो रैली है वो होगी। और राजौरी और पुंछ में लोगों में बड़ा उत्साह और ख़ास तौर पर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने के बाद लोगों का यही था कि हम भी किस तरह रैली में पहुंचे, वो उसी के बारे में पूरी डिस्कशन की गई। यहाँ से कम राजौरी से 10-15 हज़ार लोग और पुंछ से 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो इस रैली में जाएंगे और एक बड़ी रैली जो वो होगी उसका हमने आज पूरा जो था वो पूरी डिटेल्स जो यहाँ बनाई, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे से ये रैली जो है वो हो सकती है। और 20 तारीख को 11 बजे इस रैली का टाइम है एमए स्टेडियम में। दूसरा, आज यहाँ पे मीटिंग के बाद एक बड़ी संख्या में 40 से 50 यूथ की जो है वो ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई, जो मेजॉरिटी जो है वो थन्ना मंडी और द्राल एरिए से यूथ थे। युवा मोर्चा के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। मैं इनका पार्टी में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि इन इस यूथ की फोर्स को से इनको पार्टी में आने से पार्टी को एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा। और हमारा जो दूर दराज का इलाका है, हमारे इंटीरियर गांव में, वहाँ पे पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और आने वाले समय में बहुत सारी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है।